गुड इवनिंग बेटा। सो देखो बेटा, सो कल अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे बारे टॉपिक स्टार्ट किया सी, और उदे विच जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब जिथों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थ्रो होया उस पॉइंट नो असी ओरिजिन मान लिया सी बेटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो असी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वर्टिकली डाउनवर्ड नो पॉजिटिव वाई एक्सिस मानिया सी। और ये जेड़ा पॉइंट है इसका सरफेस तो हाइट एच मान ली सी है ना अपन, और ए पार्टिकल अल्टीमेटली ए पॉइंट पे आके फॉल किया, और आ जो पी पॉइंट है, तो जब असी पार्टिकल नु प्रोजेक्ट किया सी उस टाइम नु असी की मान रहे हैं जीरो टाइम, और पार्टिकल नू पी तक पहुंचने लिए टाइम लगा टी, और उस वक्त पार्टिकल दी पोजीशन की है एक्स एंड वाई, मतलब आपके टाइम टी थ्रो होन तो आपके टाइम टी पार्टिकल कितना नीचे आ चुका, नीचे हो चुका वाई, और कितना आगे जा चुका एक्स, और ये एक्स और वाई की वैल्यू असी कल निकाली सी ना, और टी की वैल्यू जब इतने पुट की सी तो वाई बिकम्स हाफ जी ए बनी सी इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी है ना। सो बेटा ये जो आप रिजल्ट डिस्कस किया, तो ये अकॉर्डिंगली देखो कि थ्रो होने वेले टाइम अगर जीरो है तो पार्टिकल नो ए तक पहुंचने लिए कितना टाइम लगेगा, ए तक उदे लिए बेटा तुसी की कर सकते हैं, देखो जिहड़ा ए पॉइंट है इसके पोजिशन कोआर्डीनेट्स अगर तुसी डिटरमिन करने हैं तो ए पॉइंट ओ लेवल तो कितना नीचे है पुत, एच, मतलब अगर पार्टिकल ए से पहुंचा तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच है, और होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और मैक्सिमम होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट नो असी की नाम दिता सी, हाँ होरिजोंटल रेंज, ठीक है। हुण बेटा इथे स्मॉल टी का मीनिंग थानू मैं दसिया सीगा एनी टाइम, कोई भी टाइम है ना, तो थ्रो होने तो बाद एनी टाइम, और उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन एक्स और वाई है, पर जदों पार्टिकल ओ तो ए पहुंच गया है बेटा, तो ए असी कितने कंसीडर कर रहे हैं पार्ट पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट है जेड़ा की सरफेस पे है ना। हुण अगर मैं इथे खड़ा होके इस पेन नु थ्रो करदा होरिजोंटली तो ए पेन कुछ देर बाद जमीन पे आके टकराएगा, जिस वक्त जमीन पे आके टकराएगा ओदा मतलब इस डायग्राम दे अकॉर्डिंगली ए पेन ओ तो थ्रो होके ए ते पहुंच गया वा, तो जिहड़ा ए पॉइंट है, जिहड़ा ए पॉइंट है तो ओ टू ए पहुंचने लिए कितना टाइम लगा बेटा, तो आप जनरली टाइम टेकन का सिंबल ले रहे हैं स्मॉल टी,
पर जदों असी कहने हैं कि ओ तो ए पहुंचने लिए कितना टाइम लगेगा तो उसका सिंबल असी उन्हें असी पता की कहना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल थ्रो होने तो बाद जमीन पे आ गया है ना, थ्रो होने तो बाद जमीन पे आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये है। अच्छा हुण अगर मैं कोई कहे कि इस केस दे विच टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन की होएगी, तो देखो जदों पार्टिकल ओ तो ए पहुंचेगा तो असी टाइम टेकन नू कैपिटल टी लेना, तो साडा सिंबल स्मॉल टी कैपिटल टी च कन्वर्ट हो जाएगा, और इहदे अकॉर्डिंगली जिहड़ा सिंबल वाई है वह कादे च कन्वर्ट हो जाएगा, एच। देखो ना ओ तो पी पहुंचने लिए कितना टाइम है, स्मॉल टी, और उस वक्त पी ते वाई वाई है और एक्स एक्स है, पर जब आप कहने ओ तो ए पहुंचने लिए कितना टाइम होएगा तो फिर तुसी इनू इन्हां नू कंपेयर करो तो इत्थे एक्स है और इत्थे एक्स की जगह आर आ गया, इत्थे वाई है इत्थे एच आ गया, और आ जिहड़ा पूरा टाइम है इनू आपां की बोलता है कैपिटल टी। सो इहदा मतलब आपां इस फार्मूला नू इहदे च पुट करता, तो यूजिंग इक्वेजन टू, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाय जी। तो बेटा गल नू सुनो, आ बेसिक फार्मूला है, ये पर्टिकुलर केस हो गया कि अगर मैनु कोई कहे कि एक पार्टिकल है जिसनों होरिजोंटली थ्रो किया गया फ्रॉम सर्टन हाइट, तो दसो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट की होएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब थ्रो करने तो बाद जमीन पे गिरन तक का टाइम, तो अंडर रूट टू एच बाय जी तो निकलेगा, और एच की है इतने एच का मतलब है जिनी हाइट तो वो थ्रो होया वो हाइट है एच। हम सपोज करो तुसी मान लो किसी टावर की हाइट मतलब छत पे है ना, कोई बिल्डिंग है उसकी छत पे खड़े हैं, और बिल्डिंग की हाइट अगर मान लो 50 मीटर है तो तुसी उत्थे खड़े होके एक बॉल नू थ्रो करने हैं होरिजोंटली, तो अगर मैं थानू कहा कि इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, या मैं कह कि इस बॉल नू जमीन तक पहुंचने लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो दोनों का मीनिंग सेम होएगा, तो इट मीनस असी केड़ा फार्मूला यूज करांगे, दिस फार्मूला। पर ये फार्मूला आया कितों है, इस फार्मूला की ही एक्सटेंशन है ना, इनू ही एक्सटेंड किया अंडर कंडीशन कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब है भी जो पार्टिकल होरिजोंटली थ्रो होया तो थ्रो होने तो बाद जमीन तक पहुंचने का जितना टाइम लगा होरिजोंटल सरफेस तक, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इतों तक बेटा किसी को कोई डाउट, अच्छा हुण अगर थानो ये स्टेटमेंट क्लियर है ना, तो एक तो ये रिजल्ट याद कर लिया, पर जिहड़ा दूसरा पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा बोलो, देखो बेटा हुण गल ध्यान नाल सुनियो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जिहड़ा रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट थानू की दस रहा हो, इहदा मीनिंग की है, बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि अगर तुसी मान लो बिल्डिंग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तुसी कल्ले ही हैं मान लो, ठीक है, और तुसी उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके फर्स्ट बॉल होरिजोंटल डायरेक्शन च थ्रो की, पहली बॉल होरिजोंटल डायरेक्शन च थ्रो की और विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर तुसी बेटा हुण गल नूं सुनियो, जदों तुसी पहली बॉल 10 मीटर पर सेकेंड नाल होरिजोंटली थ्रो की तो वह बॉल कुछ टाइम बाद
जमीन पर गिरेगी। तो आप टाइम नोट करांगे वो होएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल। फिर आप दूसरी बॉल पकड़ी उन्हें उसे जगह तो ही थ्रो किया बट नाउ 20 मीटर पर सैकेंड इन होरिजोंटल डायरेक्शन हूँ 20 मीटर पर सैकेंड नाल थ्रो किया। ठीक है हूँ बेटा दोनों केसिस टाइम ऑफ फ्लाइट केदा ज्यादा होएगा कि बराबर होएगा कि फर्क आएगा दस सकते हैं तुसी? अगर तुसी अपने घर की छत पे खड़े हैं थोड़े को दो बॉल्स है पहली बॉल होरिजोंटली थ्रो की विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड तो वो बॉल मान लो 2 सेकेंड बाद जमीन पे गिर गई तो जेडी सेकेंड बॉल है उन्हें तुसी थ्रो किया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन होरिजोंटल डायरेक्शन सेम पोजीशन तो सेम जगह तो वह कितनी देर बाद जमीन पे गिरेगी 2 सेकेंड तो बाद ज्यादा के घट के बराबर बराबर खुशी जब मैं कहना सेकेंड बॉल नो गल सुनो ना उन्हें सेकेंड बॉल नो थ्रो किया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट बॉल नू थ्रो किया सी विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पर दोनों थ्रो होरिजोंटल डायरेक्शन ची हुए सी और सेम हाइट तो हुए सी तो पहली दा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 2 सेकेंड है तो दूसरी दा कम होगा ना मैं अच्छा ठीक है कृष्णा हैं साउंड क्लियर नहीं बेटा कृष्णा गर्व आंसर क्या आएगा कितने टाइम बाद गिरेगी दोनों का टाइम ज्यादा केदा होएगा घट केदा ठीक है चित्राक्ष दोनों चो केदा ज्यादा टाइम होएगा केदा घट होएगा गिरन दा सेम होगा क्यों हम देखो बेटा गल सुनो जेड़ा रिजल्ट नोट करने वाला कि एक्चुअली मैं की पूछा कि जदों भी आपां किसी भी बॉडी नू होरिजोंटली थ्रो करते हैं तो उन्हें सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करने लिए जिहड़ा टाइम लगेगा वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है ना कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे आ साफ नजर आ रहे हैं क्योंकि जदों तुसी छत पे खड़े होके बॉल नू थ्रो किया फर्स्ट टाइम और सेकंड बॉल नू भी उसी जगह तो थ्रो किया तो दोनों केसिस दे विच एच दी वैल्यू की है सेम तो टी भी दोनों केसेस से सेम आएगा मतलब इस फार्मूला इस फार्मूला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू इन्वॉल्व नहीं है। और इवन बेटा ध्यान दियो ये जो रिजल्ट दसिया ये उस वक्त काम नहीं आएगा जिस वक्त अगर मान लो तुसी छत पे खड़े होके पहला बॉडी नु इदां थ्रो कर रहे हैं फिर इदां कर रहे हैं
फिर रिजल्ट्स काम नहीं आएंगे। ये रिजल्ट्स कदों काम आएंगे जदों होरिजोंटली असी बॉडी नू थ्रो करांगे। तो होरिजोंटली जदों भी कोई बॉडी थ्रो की जाएगी तो वो अपनी हाइट तो कितना नीचे थले आएगी है ना, वो टाइम पे डिपेंड करेगा या टाइम कितना लगेगी नीचे आने को, वो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। हुण मैं की क्वेश्चन दे विच पूछा कि छत तो जमीन तक आने लई हुण छत और जमीन दे विच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है जितनी बिल्डिंग की हाइट है। तो क्योंकि दोनों केसिस दे विच पहली और दूजी बॉडी दोनों केसिस दे विच सेम जगह तो थ्रो हुई हैं, इस करके दोनों केसिस दे विच थ्रो होने तो बाद जमीन तक पहुंचने लिए दोनों ने सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की है इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस कारण करके दोनों का टाइम सेम होएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होएगा। पर फिर गल मैं रिपीट कर रहा भी ये होएगा सेम उदो जो दोनों होरिजोंटली थ्रो होंगी है, इदा नहीं है भी एक होरिजोंटली थ्रो हो रही है दूजी इनकलाइंड हो रही है, फिर नहीं होएगा, फिर फर्क आ जाएगा। हुण नैक्सट बेटा जिहड़ा अगला पार्ट आपां करना बॉडी नू ओ तो पी तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग रहा बेटा स्मॉल टी, और होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है विद इन टाइम टी एक्स, और एक्स के लिए बराबर है यू टी। ठीक है, और अगर मेनू कोई कहे बॉडी थ्रो की ओ तो पहुंच गई ए ते, ओ तो ए तक पहुंचने लिए कितना टाइम लगता बेटा, ओ तो ए तक पहुंचने लिए जेड़ा टाइम टेकन है वो आप केड़ा सिंपल लेने हैं कैपिटल कैपिटल टी, और आफ्टर टाइम कैपिटल टी बॉडी ओ तो ए पहुंच गई है। और जदों बॉडी ए ते पहुंच गई है तो उसकी होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है आर दे, जिन्हों असी होरिजोंटल रेंज कहने तो आर दे बराबर है। तो इहदा मतलब हुण गल समझो कि इस फार्मूला च अगर आपां स्मॉल टी नूं किहदे नाल रिप्लेस करिए कैपिटल टी नाल, और एक्स नूं किहदे नाल रिप्लेस करिए आर दे नाल। ठीक है, तो अगर आप इस फार्मूला च देखो आ एक्स है और आ टी है, तो जो बॉडी ए ओ तो ए पहुंची है तो टाइम टेकन कैपिटल टी है और एक्स आर दे बराबर है। सो इहदा मतलब अगर आप इस फार्मूला च होरिजोंटल रेंज हुण गल नूं सुणियो पुत्र 1 2 यूजिंग इक्वेजन 1, तो इहदे च की करना टी नूं कैपिटल टी एक्स नूं कैपिटल आर पुट करना है ना, इक्वेजन 1 बिकम्स इक्वेजन 1 बिकम्स की हो जाएगी इक्वल टू यू। साउंड क्लियर है बेटा, आर इज इक्वल टू यू टी। तो हुण ए फार्मूला किहदे लई आ गया बेटा ए फार्मूला होरिजोंटल रेंज लई, मतलब हुण गल नूं सुनो हुण जिहड़ा तुहाडा टाइम ऑफ फ्लाइट सी ओह तां वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू ते डिपेंड नहीं सी कर रहा, पर जिहड़ी रेंज है वह कादे ते डिपेंड करदी है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यू। हुण सेम क्वेश्चन नूं आपां मॉडिफाई करदे आ कि तुसीं घर दी छत ते खड़े आ, तुसीं पहली बॉल नूं होरिजोंटल डायरेक्शन च थ्रो कीता बेटा विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉल नूं तुसीं थ्रो कीता विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होरिजोंटल डायरेक्शन च, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट की होएगा सेम।
पर दोनों की रेंज डिफरेंट, ज्यादा कैसी रेंज होएगी जेडी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब जेडी बॉडी तुसी 20 मीटर पर सेकंड नाल थ्रो कीती है वो ज्यादा दूर होरिजॉन्टली गिरेगी केदे मुकाबले फर्स्ट जेडी 10 मीटर पर सेकंड नाल थ्रो हुई सी। सो हुन ये जेड़ा फार्मूला होरिजॉन्टल रेंज दा U दे नाल नाल टाइम ऑफ फ्लाइट ते भी डिपेंड करदा, और टाइम ऑफ फ्लाइट दा फार्मूला आप लाए ना तो रेंज दा फार्मूला आप इदा भी लिख सकते हैं। तो रेंज दा फार्मूला U अंडर रूट 2H बाय G दे नाल भी एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। सो इट मीन्स बेटा, हाँ जी आ समझ आ गया, हाँ। तो और क्लियर है बेटा? चलो हुन जो डिस्कशन कल दी स्टार्ट कीती सी और हुन तक अपन जो कवर कीता है ना, कि अगर बेटा थोड़े सामने किसी भी सिचुएशन कोई भी पार्टिकल होरिजोंटली थ्रो हो रहा ता ओ थ्रो होने तो बाद आफ्टर गिवन टाइम कितने पहुंचेगा, इदा मतलब फिर तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उदे लिए थानू इक्वेजन नंबर 1 and 2 हेल्प करेगी। पर जे थानू कोई कहे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जिहड़ा होरिजोंटल प्रोजेक्टाइल है वो पार्टिकल थ्रो होने तो बाद नीचे होरिजोंटल लैवल तक आ गया है ना। तो हुण इस केस च बेटा जिहड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है ओदी वैल्यू अंडर रूट 2h / g है, और आपां क्लियर कर चुके हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और थोड़ा पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरेगा तो वो है होरिजोंटल रेंज, तो ओनू तुसी u * t तो भी निकाल सकते हैं कैपिटल t, तो यहां कैपिटल t दी वैल्यू अंडर रूट 2h / g दी टर्म च भी लिख सकते हैं। सो अब थोड़ा फार्मूला आ गया। हुण बेटा गल नु सुनो, हुन अगर जिन्ना आपा टॉपिक कवर कीता वा इहदे अकॉर्डिंगली कोई न्यूमेरिकल ट्राई करना वा, कोई भी न्यूमेरिकल ट्राई करना, पहला वो कर लेंगे थोड़ा जिहा, लिखो न्यूमेरिकल। ए बॉडी इज थ्रोन, a body is thrown horizontally, a body is thrown horizontally with velocity 10 meter per second from certain height above the ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड लेवल, फाइंड द हाइट ऑफ द
projection, find the height of point of projection. If time of flight is 3 seconds. Time of flight is 3 seconds. Take small g is equal to 10 meter per square second. Take small g is equal to 10 meter per square second. Solve कर सकते हैं बेटा? Yes. और थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आएगा? तो एच निकालना ना अपन कितना आ गया 45 मीटर और इधर बी पार्ट करो बी पार्ट करो फाइंड horizontal range find horizontal range meter ठीक है क्लियर हो गया उत्तर हम देखो हुन थोड़ा जहा अपन न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड रेज करिए है ना देखो हम थोड़े सामने न्यूमेरिकल है कि आ बेटा थोड़े सामने ना स्टेप्स है जितना कि थानू नजर आ रहा है ना कि आ फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ इतना अपा फर्स्ट इनु जीरो मान लेने ना स्टार्टिंग है तो और आ स्टेप्स बने हुए हैं तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली का आ वाला स्टेप कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन तो ये स्टेप्स आ रहे हैं और उन्हें पता नहीं था तो देखता कि जेड़ा ईच स्टेप है हर स्टेप की हाइट h h h h h h h h है ना सिंबल देता हुआ और हर स्टेप की विड्थ है ओमेगा है ना w भी कह सकते हैं ओमेगा विड्थ ऑफ ईच स्टेप कौन बेटा आ है एक बॉल तो अगर आप इस बॉल को हॉरिजॉन्टली पुश करिए धक्का मारिए थ्रो करिए आ बॉल फ्रॉम पोजीशन ओ और अगर ये बॉल इतना जल्दी हुई इतने आ जाए और आज का स्टेप है हम जितना तुसी डायग्राम है डायग्राम से का नंबर काउंट कर सकते हैं ना भी आ फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पर आप जनरल गल कर रहे हैं तो आज का स्टेप है उन्हें केड़ा गया एनथ स्टेप मतलब बॉल ओ तो थ्रो हुई
की वैल्यू एक्सप्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ एच ओमेगा एंड यू। और गल समझो और आ बेटा टोटल तो आ हाइट कितनी बनेगी, एनएच बनेगी। और आ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बनेगी, एन ओमेगा। तो आ रेंज है, ये हम समझ होनी चाहिए है कि यह रेंज है। आ बाकी बन गई है, आ हाइट है, टोटल हाइट है ना। हुन थोड़े सामने आ हाइट है, टोटल हाइट, आ रेंज है, और इन्हों का आपस की रिलेशन होता बेटा याद है, रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट ही टॉपिक करके हटे ना अपन। और आ रिलेशन जो निकालिया सी ध्यान दो, सिंपल ते नहीं जाना, ध्यान देना, समझना हो तब इस रिलेशन करते वक्त आप इनू की मनिया सी स्मॉल एच, इनू स्मॉल एच मनिया सी, पर हुण ए इत्थे स्मॉल एच की जगह कौन है, एन एच लेना। हां और इनू की मनिया सी एदे, तो एन ओमेगा आर की जगह आएगा, समझ आई है गल। तो इदा रिलेट करना पड़ेगा। हुण एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर यू स्क्वेयर टू एन एच बाई जी, तो एन की वैल्यू भी नहीं आ गई, टू यू स्क्वेयर एच जी ओमेगा स्क्वेयर। सो ए रिलेशन आ गया, तो ए प्रूव करना पूछेगा तुहानू भी एन दी वैल्यू ए बराबर प्रूव करो या एन दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू एच एंड ओमेगा फाइंड आउट करो, वो आपां करती है। पर इहदे लई सानू पहलां तां समझ होनी चाहिए भी ये जो प्रॉब्लम है ये केड़ी प्रॉब्लम है, होरीजोंटल प्रोजेक्टाइल दी, और फिर जो क्वांटिटीज गिवन है और जो फाइंड आउट करना दोनों नू आपस च रिलेट करन दा एप्रोप्रिएट फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम समझ लगी है थानू, है ना।